हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो खास तौर पर यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है, क्योंकि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें हमें अक्सर क्रिएटर्स को कुछ ना कुछ म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, और म्यूजिक यूज करने पर उसमें बहुत बार कॉपीराइट आ जाता है और उसका कॉपीराइट क्लेम के कारण वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, अब मैं क्या करूँ। और म्यूजिक कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जिनमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ये बैकग्राउंड के लिए फ्री म्यूजिक कहां से ले सकते हैं, और कोई नहीं, ये यूट्यूब ही प्रोवाइड कराता है, और उसे कैसे अपने वीडियोस में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, आप मेरे वीडियो का एक एक स्टेप देखें, पूरा ध्यान से देखें, पूरा वीडियो फुल वॉच करें, और यदि आपको इसके बारे में पहले से जानकारी है तो आप मेरा वीडियो बीच में छोड़ के जा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साइड में घंटी के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड में, लेकिन जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, बड़ा बड़ा दिखाई दे, इसलिए अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के लिए सबसे पहले अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाएं, जो भी आपका चैनल है, उसके बाद ये कंटेंट में जा सकते हैं। तो कंटेंट में जाने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपको दिखेगा ऑडियो लाइब्रेरी, तो ऑडियो ऑडियो लाइब्रेरी खुलने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑडियोज आ रहे हैं, ये बहुत सारे ऑडियो आ रहे हैं, साउंड इफेक्ट है और इसके साथ साथ म्यूजिक है। तो साउंड इफेक्ट में यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो फिल्टर है इसमें ये हमसे कैटेगरी पूछ रहा है, ट्रैक टाइटल, कैटेगरी, ड्यूरेशन। तो मान लीजिए कैटेगरी में हम आते हैं तो ये हमें एनिमल्स, कार्टून, अलार्म्स, इस टाइप के साउंड इफेक्ट देता है, इनका ड्यूरेशन कितना है ये भी पता चलता है। तो यहाँ से हम इसे अप्लाई करते हैं तो देखिए ये इतने सारे कार्टून्स और ये साउंड आ चुके हैं। तो इनमें से हम पहले यहाँ से सुन सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके, तो ये देखिए इनकी, देखिए साउंड इफेक्ट्स आपको सुनाई दे रहे हैं। बेसिकली यहां समझने की सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो ये म्यूजिक और दूसरा साउंड इफेक्ट। एक तो देखिए ये म्यूजिक और दूसरा ये साउंड इफेक्ट, इनको हमें कैसे यूज करना है ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो साउंड इफेक्ट अभी आपने सुन लिया, अब इसको डाउनलोड करना है तो सिंपल यहां पर क्लिक कर देना, मेरे कर्सर पे देखिए यहां पर क्लिक कर दिया और ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए लोकेशन पूछ रहा है कहां पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मुझे तो अभी डाउनलोड नहीं करना है इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूं। इसके अलावा जब हम आते हैं म्यूजिक में, तो म्यूजिक में क्या है, इसमें भी इसी टाइप से कैटेगरी वाइज सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें ट्रैक टाइटल, जेनरे, मूड, आर्टिस्ट नेम, ड्यूरेशन, और फिर दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, जो इन काम की चीज़ें हैं वो ये हैं। हम यहाँ पर जाते हैं कि एट्रीब्यूशन और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो चलिए पहले ये समझते हैं। अब ये जो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड है, इसमें देखिए यहां पर YouTube का सिंबल आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये जो YouTube का सिंबल आ रहा है मतलब इसमें हमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है, ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपको इसे सुनना है या इसमें और फिल्टर लगाने हैं एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड में आर्टिस्टिक के या नेम के हिसाब से, या जो भी आपको इस टाइप से कुछ सर्च कराना है ये कर सकते हैं, नहीं तो ये जो आ रहे हैं ये ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं, इनकी कोई कमी ही नहीं है। ये देखिए स्क्रॉल करा के देख लीजिए, यहां से भी नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं, ये 703 के आसपास हैं। अब देखिए इनको जरा सुन के देखते हैं, आप यहां से सुन सकते हैं, अपनी जरूरत के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे म्यूजिक के लिए हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, देखिए आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इसमें से डाउनलोड करना है तो सिंपल यहां जाएंगे और ये डाउनलोड कर लेंगे। ये
चलिए मैं अभी सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ। ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ये डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो भी जरा देख लेते हैं, वो क्या क्या है और उसमें कैसे यूज करना है। ये देखिए एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, जो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है इसमें आप देखेंगे तो यहां पर ये सीसी करके लिख के आ रहा है। इसमें मतलब क्या, ये क्रिएटर्स कॉमन है, क्रिएटर्स कॉमन एट्रीब्यूशन 4। तो इसमें क्या, यू कैन यूज दिस ऑडियो ट्रैक एनी ऑफ योर वीडियो इंक्लूडिंग वीडियोज दैट यू मोनेटाइज, हाउ एवर यू मस्ट इंक्लूड एट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर। ये पूरा जो मैटर लिखा हुआ है, या तो इसको यहां से ऐसे कॉपी कर लें, ये जो मैटर है ये पूरा, या तो आप कॉपी कर लें, और यदि कॉपी करना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली इसको यहां से कॉपी कर लें, ये आपका कॉपी हो जाएगा। और इस पूरे जहां भी आप इस ऑडियो को यूज करेंगे वहां ये पूरा डिस्क्रिप्शन में सेव करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, अदर तो आपको कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आएगी। और इस केस में चाहे तो सामने वाला आपसे आपको कुछ क्रेडिट देना पड़ सकता है, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, क्रेडिट का मैं ठीक से नहीं कह सकता देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट जरूर करना पड़ेगा, तभी ये म्यूजिक यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, क्योंकि आप जब भी कोई वीडियो या व्लॉग बनाते हैं तो म्यूजिक की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो इस म्यूजिक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए YouTube हमें खुद ही एक इस टाइप का फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपने वीडियो में म्यूजिक का इफेक्ट दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।